तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं पावर बीआई के बारे में, और पावर बीआई में हम बात करेंगे डैक्स फंक्शन के टेक्स्ट कैटेगरी का। और सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला क्या करता है? तो एक छोटा सा डेटा हम बनाते हैं, क्योंकि छोटे डेटा पे इफेक्ट आपको जल्दी समझ में आएगा। तो छोटा सा डेटा मैं इसी में बना देता हूं। यहाँ पे हमारा नेम हो गया, यहाँ पे अमाउंट हो गया, और यहाँ पे हमारा क्लास हो गया एफ क्लास। छोटा सा डेटा मैं बना रहा हूं पूजा। नहीं, फ्लाइट क्लास नहीं, इसे एयरलाइंस कर देता हूँ। इसका यूज हम लोग एक्सेल पे करते थे बहुत। चलिए इसी को लोड करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये जो हमने लास्ट में एयरलाइन दिया हुआ है, उसमें एयरलाइन कोड डाला हुआ है। हमें पता करना है कि इसके अंदर कितने एयरलाइंस है, समझे? हमें यहां पे देखना है कि काउंट ऑफ एयरलाइन मुझे यहां पे चाहिए कि हमारे इस डेटा में कितने एयरलाइंस है। तो मतलब कि हमें कॉमा को काउंट करना है, जितना कॉमा होगा उतने एयरलाइंस होंगे, राइट सर? उससे एक ज्यादा होगा, माफ कीजिएगा, उससे एक ज्यादा होगा, तो कॉमा हम काउंट करते हैं। तो यहां हम न्यू कॉलन में आते हैं, तो यहां पे टोटल एयरलाइन, टोटल एयरलाइन, और इसमें हम करते हैं सबसे पहले हम यहां पे लगाते हैं सब्स्टिट्यूट का फॉर्म, लेन का फॉर्मूला। लेन फॉर्मूला क्या करे, वन बाय वन बताता हूं, देखते रहिएगा। लेन फॉर्मूला क्या करता है, काउंट करता है, तो इसने बताया कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है, राइट? आठ है। फिर हमने क्या किया, वापस लेन का फॉर्मूला इसमें इंक्लूड किया और फॉर्मूला लगाया सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट में हमने बोला कि एयरलाइंस के अंदर तुम कॉमा को डैश से रिप्लेस कर दो। मतलब क्या होगा कि हमने बोला कि कॉमा को मतलब कि विदाउट मतलब कि ब्लैंक से, मतलब कि इसको डिलीट कर दो और फिर उसका लेन निकालो, तो उससे पता चल जाएगा कि कितने कॉमा है, और जितने कॉमा है उसमें प्लस वन कर दीजिए, ये आपके क्या निकल गए, टोटल नंबर ऑफ एयरलाइन। तो सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला का वर्क होता है कि किसी भी टेक्स्ट को अनोदर टेक्स्ट से रिप्लेस करना, समझे? हेलो, सारा जी समझ में आया आपको? अंकित जी, अजय जी, अब मुझे इसमें एक चीज और चेक करना है कि हमें इसमें क्या है कि देख सकते हैं कि इसमें कई सारे हैं, जैसे कि एयरलाइंस है, ये आपका फ्रांस फाइटर है, ये आपका कैनेडियन कैरेबियन है, तो अलग 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 एयरलाइंस है। तो इसमें क्या हुआ कि एक टिकट बुक हुआ, मान लीजिए मुझे जाना है पुणे से मियामी, अब पुणे से मियामी का डायरेक्ट फ्लाइट तो मिलेगा नहीं, तो हम पुणे से मुंबई आएंगे, मुंबई से फिर न्यूयॉर्क जाएंगे, फिर न्यूयॉर्क से मियामी जाएंगे।
तो तीन तीन फ्लाइट हमने चेंज किए, अब तीनों फ्लाइटों में जरूरी तो नहीं है कि सेम एयरलाइंस का टिकट मिले। हो सकता है कि पुणे से मुंबई हमारा मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, इंडिगो से मिल गया, डोमेस्टिक फ्लाइट ले लिया हमने, फिर हमने इंटरनेशनल फ्लाइट लिया मुंबई से, फिर न्यूयॉर्क से, फिर डोमेस्टिक ले लिया, तो अलग अलग एयरलाइंस हो सकते हैं। लेकिन वो क्या हो सकता है कि कुछ ऐसे फ्लाइट है जो डोमेस्टिक भी चलते हैं और इंटरनेशनल भी चलते हैं। तो मुझे इसमें काउंट करना है ये कितने नंबर ऑफ एयरलाइंस है, मतलब एक ही सेम एयरलाइंस है या नहीं है, क्योंकि सेम एयरलाइंस है तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग होगा, अलग एयरलाइंस है तो अलग अलग कैलकुलेशन है, सो मतलब कमीशन कैलकुलेशन है, तो इसलिए हमें उस तरह से करना है कि पहले चेक कर लेना है कि सेम एयरलाइंस है या नहीं। तो कैसे करें, इसके भी फॉर्मूला तो नहीं है ना यहाँ पे। वन टू वन, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा फॉर्मूला लेफ्ट का, नहीं इसमें तो लगेगा सब्स्टिट्यूट का ही फॉर्मूला लगेगा। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लिया, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले में टैक्स कौन सा है, तो टैक्स हमने लिया एयरलाइंस, और हमने बोला कि मुझे इसमें से क्या क्रेडिट करना है, तो हमने बोला लेफ्ट, और लेफ्ट से एयरलाइन से ही हमने दो लेटर अलग कर लिया और उसको हमने ब्लैंक कर दिया, एंटर देखें। अब इसमें जो आया जिसमें सारे एयरलाइंस हट गए उसमें सिर्फ कॉमा बचा, अब मैं वापस सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगा रहा हूं और बोल रहा हूं कि इसमें से कॉमा को रिप्लेस कर दो ब्लैंक से, और वापस हम इसको क्या कर रहे हैं, लेन से काउंट कर रहे हैं लेन, और हमने यहां पे इक्वल टू 0 कर दिया। देखिए तो जहां सेम एयरलाइंस था वहां पे ट्रू हो गया। अजय जी, अंकित जी, सारा जी, कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं जी, समझ आ रही है। नहीं ओके, अंकित जी आपको आया? सर, तो इस तरह की चीजें हम यूज करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला समझ में आ गया क्या करता है। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला के बाद हम बात करते हैं रिप्लेस फॉर्मूला का। तो रिप्लेस फॉर्मूला का काम भी सेम ही है जो सब्स्टिट्यूट करता है, लेकिन इसका काम थोड़ा सा अलग हो जाता है। हमें क्या करना है, रिप्लेस फॉर्मूला। तो रिप्लेस फॉर्मूला किसी भी टेक्स्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर पोजीशन, जैसे हमने बोला कि पांचवें तीसरे चौथे से दो लेटर को ए आई कर दो, तो रिप्लेस क्या करता है कि किसी पर्टिकुलर करेक्टर, जो जितना वो करेक्टर रिपीट हो रहा है, जैसे कॉमा जितना मतलब रिपीट हुआ सबको रिप्लेस कर दिया। बट रिप्लेस फॉर्मूला क्या करता है कि किसी पोजीशन को, इसमें देखा कि मुझे थर्ड फोर्थ फोर्थ से दो करेक्टर, तो SF को उसने ए आई कर दिया। तो रिप्लेस का यूज इस चीज के लिए होता है। रिप्लेस के बाद अगला जो फॉर्मूला हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं किसके, फिक्स्ड पे, फिक्स्ड फॉर्मूला। अब फिक्स्ड फॉर्मूला का यूज करने के लिए हमें फिक्स फॉर्मूला का यूज होता है आपका कि उसके ऊपर इसका डॉलर का साइन लग जाता है, ठीक नहीं, डेसिमल उस फॉर्मेट वगैरह चेंज नहीं होता है, वो फिक्स कर जाता है। देखिए
हमने फिक्स फॉर्मूला का यूज इसमें किया, हमने कॉलम पे आते हैं, न्यू कॉलम, हमने यहाँ पे एफएक्स को देता हूँ इसमें एफएक्स, और हमने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला फिक्स। फिक्स में हमने दिया यहाँ पे मान लीजिए अमाउंट, और यहाँ पे डेसिमल नंबर 2, एंड यहाँ पे हम 2 कर देते हैं। अभी हो गया फिक्स हो गया। अब इसके ऊपर आप फॉर्मेट में जाके, कॉलम फॉर्मेट में जाके कोई भी कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए इसको आपने मान लीजिए ए कर दिया, नंबर कर दिया, डेसिमल होल नंबर कर दिया, तो ए आपका चेंज नहीं होगा। हो गया चेंज फिक्स, तो फिक्स फॉर्मूला चेंज कर सकता है राइट में। इसमें एक्सेल में चेंज नहीं कर पाता, एक्सेल में तो डाल दिया तो डाल दिया, चेंज कभी नहीं होगा। इसमें चेंज हो जाता है तो इसका कोई मतलब नहीं रहा फिर तो। इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी इसमें कोई चेंजिंग ना कर सके। उसके बाद आपका ये वैल्यू फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप ये देखिए, एज दिख रहा है आपको ए टेक्स्ट में, लेकिन मुझे यहां से इसको चेंज नहीं करना, बट हमें इसको कहीं कन्वर्ट यूज करना है, इसको नंबर में कन्वर्ट करके। तो वैल्यू फॉर्मूला के जरिए इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी अपर आपका अपर लेयर को में कर देता है, कोड तो पता ही था आपको, एक हर करेक्टर का कोड लेता है। और ट्रिम तो बताया था आपको, ए ट्रिम नंबर जो अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है, सर्च और फाइंड एक ही जैसा है, रैप्ड रिपीट का काम करता है। जैसे किसी भी लेटर को, जैसे पूजे को मुझे 2 बार रिपीट करना है, न्यू कॉलम में हम जाते हैं और यहाँ पे मान लीजिए कि हमें रिपीट करना, आरपी कर देता हूँ आरपी। तो रिपीट फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी वर्ड को, करेक्टर को उतना टाइम रिपीट कर देता है। रैप्ट, रैप्ट में मान लीजिए हमने ले लिया ले लिया नेम, नेम, और हमने बोला कि इसको 2 बार रिपीट कर दो, तो इसने देखोगे पूजा पूजा 2 बार रिपीट कर दिया है। अच्छा, आरपी नाम कॉलेज फॉर्मूला है, ठीक है, रिपीट फॉर्मूला इस तरह से वर्क कर लेता है। तो टेक्स्ट फंक्शन मेरे हिसाब से मैंने कंप्लीट कर लिए, आप अपने हिसाब से इसको एग्जैक्ट एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, जैसे मुझे अगर 2 मैच करने हैं तो एग्जैक्ट पासवर्ड की तरह, मैंने अभी क्या है कि राम कैपिटल में है और स्मॉल में है तो दोनों मैच कर जाएगा, लेकिन आप चाहते एग्जैक्ट मैच करना तो एग्जैक्ट के अंदर में दोनों को डालने होंगे। तो हमने आपको फिक्स टेक्स्ट फॉर्मूला आज खत्म कर दिया, अब इसकी प्रैक्टिस आप लोग करें थोड़ा, और बाकी लोग नहीं आ रहे